In a massive push to secure tribal status for the 12 left-out communities of Sikkim and 11 from Darjeeling, leaders from both regions today announced the formation of a joint action committee. The announcement came following a crucial coordination meeting in Siliguri, chaired by Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang and attended by leaders from both Sikkim and Darjeeling. The meeting, attended by leaders and representatives from Sikkim and Darjeeling, focused on the way forward to secure tribal status for the left-out communities. Briefing the media post the meeting, Darjeeling MP Raju Bistah said that after a brainstorming session under the leadership of Chief Minister Tamang, it was decided that a joint action committee will be formed to pursue the tribal status issue. Mukhya Mantri ji ke netrutv mein बड़ी लंबी चर्चा हुई और हम सब ने ये तय किया है, क्योंकि ये हमारा मुद्दा एक है और भारत के संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे दार्जिलिंग, तराई, डुअर्स हो, यहाँ की जनताओं को भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत लंबा समय तक चर्चा हुआ। और कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि जो भी हमारा एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट है, सिक्किम ने भी तैयार किया है, दार्जिलिंग का भी तैयार है, उसको हम आपस में एक्सचेंज करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न कल को आरजीआई का या किसी और डिपार्टमेंट का ना हो, यह हमने तय किया है। हमने ये भी तय किया है और एक जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर ट्राइबल स्टेटस, ऐसी एक कमिटी की घोषणा की है, जिसमें 5 लोग सिक्किम से हैं और 4 लोग दार्जिलिंग से हैं। इसके साथ ही एथनोग्राफी रिपोर्ट बनाने के लिए भी एक जो है 22 लोगों की जो है एक टोली भी इस सभा के अंदर में, उसकी भी घोषणा हुई है। राजू बिस्ता आल्सो एलेड फियर्स ऑफ इनफ्लक्स इफ ट्राइबल स्टेटस इज ग्रांटेड। कुल मिला के कई बार आरजीआई के कुछ रिप्लाई आते हैं, कुछ पत्रचार आते हैं और कई तरह के प्रश्न कई बार उठते हैं। सामान्यतः कई बार ये कहा जाता है कि अगर इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखाओं को जनजाति का स्टेटस मिल जाता है तो इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। इस सभा में डिटेल में चर्चा हुई कि अगर इन्फ्लक्स बढ़ता है, वो हमारी मांग, संवैधानिक मांग है, उसका इन्फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लक्स होता है, उसको रोकने का काम बीएसएफ का, पुलिस का, सरकार का है, लेकिन उसके लिए जो अधिकार से जो लोग वंचित है, उनको लंबे समय तक जो है बंदी के रूप में उनको वंचित नहीं रखा जा सकता। और ऐसे तमाम, और आरजीआई का बार बार एक रटा रटाया जो रिप्लाई आता है, उसको भी काउंटर करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो भी करने का तय हुआ है। आरजीआई को रिप्लाई देने के लिए हमारे पास बहुत है, और आरजीआई का जो प्रश्न भी आता है वो भी अपने आप में उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। जैसे मैंने एक विषय आपके सामने रखा, अगर आरजीआई ये कहता है कि इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, भाई हमारी मांग तो संविधान से जुड़ा हुआ है, इन्फ्लक्स बढ़ रहा है तो फिर आरजीआई क्या कर रहा है? सेंसस वो आरजीआई देखता है, भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो मुझे लगता है जिस तरह का उत्तर का जवाब आरजीआई से आता है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। The Darjeeling MP indicated that the centre is more than willing to grant the tribal status but could not implement it due to various complications. सेंटर से ग्रीन सिग्नल 2014 से है, क्योंकि बार बार संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिख के दिया है, बार बार मोदी जी ने एक एक जात गोष्ठी का उच्चारण करके ये मन से घोषणा किया है, लेकिन सरकार ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा सरल रास्ता मिले जिससे जो है मैं गोरखाओं को न्याय दूं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, भारत सरकार पूरी तरह गोरखाओं के साथ, इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम आदिवासी, राजवंशी, बंगलावासी, हिंदीवासी, कोच, मेचे, टोटो सबके साथ है। And Raju Bistah added that Gorkhas had a similar lifestyle to that of the tribal communities. गोरखा कभी हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे, और हमारी आदतें, हमारे रहन सहन और हमारा जो रीति रिवाज है वो आदिवासी जनजाति जैसा ही है। तो मुझे लगता है आज जो ये कमिटी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है उसमें तेजी से काम करेगी, और जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, जब तक इस क्षेत्र में रहने वाले जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी आवाज बन के हम बार बार सदन का भी दरवाजा खटखटाते रहेंगे,
और हमारा मकसद साफ है कि हमारी जनता को न्याय मिले। Well, the demand for tribal status has been a long-standing issue, with these communities seeking constitutional recognition to gain access to social and economic benefits afforded to scheduled tribes. The meeting's agenda today primarily revolved around presenting the renewed demand to the authorities, with the hope of resolving the issue that has remained unresolved for years. The first of its kind joint effort signifies a collaborative approach between Sikkim and Darjeeling to resolve the long-standing tribal status issue. It may be mentioned here that the Sikkim government has set up an expert committee to thoroughly examine the matter and prepare an ethnographic report. The 12 left-out communities in Sikkim include Bhujel, Gurung, Mangar, Niwar, Jogi, Khas, Rai, Sunuar, Thami, Dewan, Maji, and Giri Sanyasi.